माई सेल्फ इज मालती शर्मा। मैं हनुमान नगर न्यू हिंदी सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1 की स्टोरी देखेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी स्टोरी, दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाँ, ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है, इसीलिए इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। जस्ट मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी इस चैप्टर के बारे में। द फॉल ऑफ ट्रॉय जो ये चैप्टर है, ये एक स्टोरी है, स्टोरी फ्रॉम अ ग्रीक इपिक। हाँ, इपिक मतलब क्या होता है? ग्रीक कंट्री का नाम है। इपिक मतलब महाकाव्य, महाग्रंथ, ठीक है। जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हाँ, हमारे भारतीय संस्कृति में द टू ग्रेट इपिक आर रामायणा एंड महाभारता, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में सभी बच्चे, हाँ, इन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि रामायण में कौन थे। हाँ, जैसे रावण, राम, सीता, लक्ष्मण और उनके ब्रदर्स के बारे में, और क्या क्या इंसिडेंट टुक प्लेस हुए उस टाइम पे, हमारे इंडिया में सभी बच्चे जानते हैं। हाँ, एंड रिगार्डिंग महाभारता आल्सो, श्री कृष्ण जी के बारे में, अर्जुन के बारे में। उसी प्रकार वेस्टर्न कंट्रीज में भी द टू ग्रेट इपिक, द इलियड एंड द ओडिसीज, ओके, ये दो ग्रेट इपिक्स हैं वेस्टर्न कंट्री की, ओके, वहां के बच्चे जानते हैं ये दो ग्रेट इपिक के बारे में, जैसे हमारे इंडिया के बच्चे यहाँ पर जानते हैं रामायण और महाभारत के बारे में। द इलियड में क्या है? वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में, ट्रोजन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि उसके बाद वहां पे क्या इफेक्ट हुआ, और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हेक्टर है, हेलेन है, ओडिसीज है, अक्लीज है। हाँ, वहां के वेस्टर्न कंट्रीज के सभी बच्चे, जैसे यहाँ इंडिया के कंट्री के सभी बच्चे जानते हैं कि रामायण और महाभारता में भारत में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, उसी तरह वहां के भी बच्चे वेस्टर्न इपिक्स में जानते हैं कि वहां के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। द इलियड के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें वॉर ऑफ ट्रोजन का बताया गया है, ठीक है। अब द ओडिसी जो दूसरी उनकी वेस्टर्न इपिक है, ग्रेट इपिक, उसमें कि वॉर के बाद ओडिसी ने अपना लाइफ कैसे स्पेंड किया, हाँ, उसके बारे में बताया गया है। गॉट इट एवरीवन? बट बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, लेट्स हैव क्विकली लुक ऑन वार्मिंग अप, जो कि हमारे हर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर एग्जाम, जिसमें मैंने आपको हमेशा, जब भी मेरा लेक्चर था, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि डायलॉग राइटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वार्मिंग अप, चिट चैट। डू यू नो स्टोरी फ्रॉम एनी इपिक अ मैथोलॉजिकल पोएम्स? मैथोलॉजिकल्स मतलब पौराणिक, epics मैंने आपको ऑलरेडी बताया, what is the meaning of epics? तो answer is yes, I know the story of epics, Ramayana and Mahabharata. Who is your favorite mythological character? What do you like about that character? तो मतलब आपका उस पौराणिक characters में से आपका कौन सा character favorite है और क्यों उसे पसंद करते हैं आप? तो my favorite
mythological character is Ram from Ramayana. I like him for his quality of truthfulness, sincerity and intelligence, etc. Now third, who is your favorite warrior? आपके favorite योद्धा कौन से हैं? So my favorite warrior is Shivaji Maharaj. If you could visit a place in the ancient world or mythological world, which place would you choose? Which event would you like to see? अगर ऐसा कोई place है जहाँ पे आप प्राचीन काल में जहाँ जो कोई पौराणिक जहाँ पे incidents हुआ है जहाँ पर हाँ ऐसा कौन सा place है जहाँ को आप visit करना चाहेंगे और कौन सा event आप वहां पे देखना चाहेंगे? प्राचीन काल में घटना वहां पे घट चुकी है तो कौन सा इवेंट ऐसा है जो आप वहां पे देखना चाहेंगे? तो इफ आई कुड विजिट अ प्लेस इन द एंशिएंट वर्ल्ड और इन अ मिथोलॉजिकल वर्ल्ड आई वुड चूज गोकुल. आई वुड लाइक टू सी द नॉटीनेस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा. मतलब जहां पर श्री कृष्ण भगवान का बचपन बीता है गोकुल, वहां पर वो प्लेस हम देखना पसंद करेंगे. ओके नाउ अनदर एक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप ऑफ एट. द ग्रुप लीडर प्रिपेयर्स अ स्लिप ऑफ पेपर फॉर ईच ऑफ द 7 points गिवन बिलो. आपकी देखो टेक्स्ट बुक में ही 7 points दिया गया है पेज नंबर 68 पर. आपको क्या करना है? फॉर्म अ ग्रुप ऑफ एट. आपको 8 जन का ग्रुप बनाना है, ठीक है, जो उसमें से एक ग्रुप लीडर रहेगा. तो रिमेनिंग कितने हो गए? 7. तो जो ग्रुप लीडर है उसको क्या करना है? स्लिप प्रिपेयर करना है, ठीक है. जो भी 7 points आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है इस क्वेश्चन के नीचे, उससे रिलेटेड आपको स्लिप प्रिपेयर करना है. एंड क्या करना है? देखो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर अ स्लिप ऑफ पेपर फॉर ईच ऑफ 7 points गिवन बिलो एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द अदर्स. आपको क्या करना है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग अदर्स. ओके द ग्रुप साइट्स इन अ सर्कल सिट्स इन अ सर्कल द ग्रुप सिट्स इन अ सर्कल taking their seats according to the number on the slip they have. मतलब one by one, जैसे sometimes पहला वाला क्या है, अभी मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताती हूँ. पहला वाला स्लाइड क्या है, सेंटेंस क्या है, सॉरी. Once there was a, तो जो स्लिप उसके हाथ में रहेगी उसको वैसे ही बैठना है. Who lived in a, उसके बाद कौन रहेगा? सेकेंड वाला. He, she, it, थर्ड वाला. लाइक दिस. हाँ क्या करना है? Like, इसी तरह बैठना है और सेंटेंस वाइज हाँ सातों जन का ऐसे ग्रुप में बैठना है इन अ सर्कल. देन ईच वन कंप्लीट द सेंटेंस ऑन हिज हर स्लिप विदाउट शेयरिंग इट विद द अदर्स. मतलब जो स्लिप उनके हाथ में दी रहेगी सबको सेंटेंस को क्या करना है? कंप्लीट करना है बिना किसी को बताए जो बाजू में बैठे हुए हैं. द ग्रुप लीडर कलेक्ट द स्लिप्स एंड रीड द ऑल द सेंटेंस लाउडली एज वन कंटिन्यूस पैसेज. अब वो स्लिप को उसे इकट्ठा करना है जो ग्रुप लीडर रहेगा 8वां पर्सन, और उसे क्या करना है? सारे स्लिप्स को सीक्वेंस वाइज लगाकर उसे एज ए स्टोरी की तरह एज ए कंटिन्यूस पैसेज की तरह उसको रीड करना है. Does the story make sense? जब वो रीड करेगा जो लोग सुनेंगे तो उस टाइम पे फील हुआ कि एक स्टोरी कुछ से मतलब कोई सेंस हो रहा है. The group then works on the story to make it more meaningful and interesting. फिर क्या करना है? जो भी ग्रुप मेंबर्स रहेंगे उनको उसके ऊपर वर्क करना है टू मेक अ मोर मीनिंगफुल एंड मोर इंटरेस्टिंग, और उसका मोरल भी प्रोवाइड करना रहेगा. तो यहाँ पर देखो 7 points क्या क्या है. Once there was a who lived in a
He, she ate. She, he went. There, she, he saw. Sixth one, he, she was. मतलब girl रहेगी तो she, boy रहेगा तो he. That is why. हाँ, ये सारा points है. अब सबने कैसे complete किया? Once there was a prince named Joy who lived in a big palace in the city. He, या he बोलो या तो she बोलो. She ate delicious food all the day and enjoyed his life. She went one day to his city's market area. There she saw, yeah, he saw suffering of his people due to the heavy taxation lived by his father, his own father, the king, जो उसके पापा रहते हैं. He or she was shocked to see the plight of his own people and thus wanted to help them. And that is why he thought of speaking to his father and lowering the taxes on the goods in his kingdom. इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट किया गया और इसी सेंटेंस को वन बाय वन लगाकर एक कंप्लीट स्टोरी तैयार करनी है. ओके, एंड एट लास्ट में एज ए रिजल्ट द किंग ऑल्सो रियलाइज दैट वॉट रॉन्ग ही हैड डन एंड हिज किंगडम बिकेम अ हैप्पी वन वंस अगेन. हाँ, ये आपकी स्टोरी का एंड है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन चैप्टर. यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय. चाहे आप इसे ट्रॉय बोलो चाहे आप इसे इलियम बोलो. अब थोड़ा सा हम कंट्री के बारे में पढ़ेंगे. ट्रॉय अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम एजियन टू द ब्लैक सी. मतलब अब ये कंट्री कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कहाँ पर है. एशिया माइनर के बीच में कहाँ से कहाँ तक है, एजियन से लेकर ब्लैक सी. ये देखिए, आप देखो ट्रॉय के सामने एजियन सी लिखा है और ब्लैक वहां तक फैला हुआ है ये. ठीक है, इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर. मतलब ये बहुत ही अच्छा शहर है, मतलब जहां पर ये सिचुएटेड है, जहां पर ये लोकेटेड है, किसके लिए, व्यापार के लिए और कृषि के लिए. ठीक है, किसके लिए अच्छा है ये, व्यापार के लिए और कृषि के लिए. इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर. इन फ्रंट ऑफ द सिटी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन. ठीक है, अब क्या होता है कि वहां पर उसके सामने ही क्या है, समुद्र है, जो क्या करता है, जो समुद्र के थ्रू अपने अनाज और माल को लोग कैरी करते हैं, उसी समुद्र के रास्ते से वो लोग जाते हैं. अब एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट इडा फ्रॉम विच फॉलोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम. उसके ही एट द बैक, उसी के पीछे, हाँ, उसी के पिछले भाग में क्या है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम क्या है, माउंट इडा. ठीक है, और उस पहाड़ से बहुत सारी नदियां और झरने, स्ट्रीम मतलब झरने बहते हैं. गॉट इट एवरीवन? द
द वैली अमंग द हिल्स वर वेल वॉटर्ड एंड फर्टाइल विच क्रॉन ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मीडोज व्हाइल शीप फीड ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स. मतलब क्या हो गया, अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि पहाड़ से बहुत सारी नदियां, बहुत सारे झरने वहां से बहते हैं, इसलिए पहाड़ की जो आसपास की एरिया है वहां पे बहुत सारा पानी है. तो बिकॉज ऑफ दैट वहां क्या होता है कि वहां की जो सॉइल है, वहां की जो मिट्टी है, वो बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है. ठीक है, और उपजाऊ होने के कारण क्या है, वहां पे वहां की जो आसपास की जमीन है वहां पे ग्रेन्स का बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है. हाँ, और साथ ही साथ जो कैटल हैं, जो एनिमल्स हैं, हाँ जो कैटल्स हैं, जो शिप्स हैं, उनको फीडिंग, उनको खाने के लिए बहुत सारी मात्राओं में उनको घास मिलती है. ठीक है, समझे आप लोग. नाउ आप जस्ट वो एरिया के सराउंडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे. राउंड देयर सिटी द ट्रोजन्स हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी. मतलब जहां पर वो सिटी था, ठीक है, उसके राउंड में इतनी मोटी और बहुत बोले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल एक बनाया गया था, दीवार बनाई गई थी. ठीक है, उसके चारों तरफ से, किस लिए, ट्रोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, उस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, एनिमी से, शत्रुओं से. हाँ, कि समुद्र, मैंने आपको बोला सेल्स के सामने ही एक समुद्र भी था, तो समुद्र से भी कोई अगर उन पे कोई अटैक नहीं कर सके, इसीलिए उसको चारों तरफ से मोटी दीवार से उसे क्या किया था, घेर दिया था. ठीक है, द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट. मतलब इतनी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर लोग बैठ भी सकते थे, चल भी सकते थे. द ग्रेट गेट स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड. मतलब वो गेट को ओपन भी करते थे पीपल को जब बाहर जाना रहता था और जब आना रहता था गेट के, मतलब अपने सिटी के अंदर. ओके, नाउ अब, बट इन टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज्ड. बट जब उनके ऊपर युद्ध की समस्या मंडराती थी तो उस टाइम पे क्या करते थे, गेट को लोग क्लोज कर देते थे, बंद कर देते थे. एंड देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्टीज क्वाइट सेफ फ्रॉम द ऑल अटैक प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स सराउंडिंग इट एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड. तो वो कैसे हो जाता था, जब वो गेट को लोग बंद कर देते थे, हाँ, तो क्या होता था, चारों तरफ से क्या होता था, वो एकदम मजबूत किले की तरह हो जाता था. स्ट्रॉन्ग फोर्टीज मतलब मजबूत किले की तरह लगता था. ठीक है, और वो कोई भी अटैक से पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता था. ठीक है, दस ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल्स एंड स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर्स. इसीलिए हाँ, इतना ट्रॉय जो था इतना स्ट्रॉन्ग सिटी था, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके कारण, वॉल के कारण, और साथ ही उनके जो बहादुर सैनिक थे उनकी जिस तरह वो सुरक्षा प्रोवाइड करते थे ट्रॉय के लोगों को, उससे बहुत ही वो लोग सुरक्षित थे. ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि द फॉल ऑफ ट्रॉय, क्योंकि द मेन रीजन स्टार्ट यहीं से होता है कि किस लिए ट्रॉय का पतन हुआ. द फॉल ऑफ ट्रॉय का मीनिंग यही होता है, पतन ट्रॉय का. ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि ट्रॉय का पतन किस लिए हुआ, युद्ध किस लिए हुआ,
ग्रीस और ट्रॉय में, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर्ड द वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन, हाँ परंतु, बट मतलब परंतु, ऑल द किंग्स, ऑल द किंग्स मतलब ग्रीक के सभी राजा और वहां के जो योद्धा थे, उन्होंने क्या किया, ट्रोजन के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया. रीजन क्या था, बिकॉज उसका कारण यह था कि पेरिस, हाँ पेरिस कौन था, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, जो ट्रॉय का राजकुमार था, उसने क्या किया, हैड परसुएडेड हेलेन, उसने क्या किया, हैड परसुएडेड हेलेन मतलब हेलेन को बहकाया. अभी हेलेन कौन थी, वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग, हाँ वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलस, ये किसकी वाइफ थी, हेलेन मेनेलस की वाइफ थी, ठीक है. उसको जो राजकुमार पेरिस थे उन्होंने बहकाया, एंड टू इलोप विथ हिम, और उसे अपने साथ ट्रॉय लेकर आ गया था, ठीक है. He had brought her to Troy. The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. मतलब जो ग्रीक लोग थे, अब उनको क्या चाहिए था, रिवेंज किससे, ट्रॉय से, क्योंकि जो उन्होंने गलत काम किया था उनके राजा के साथ, ठीक है, इसीलिए वो ट्रॉय से बदला लेना चाहते थे. They sailed to Troy and led siege to the city. क्या हुआ, अब वो क्या हो गए, जहाज लेकर कहां आए, ट्रॉय से, ट्रॉय में आए, और उन्होंने क्या किया, led siege to the city मतलब उन्होंने उस शहर को पूरा घेर लिया चारों तरफ से. हाँ, the Troy too fought hard and the siege continued for 10 years. हाँ, अब क्या हुआ, ट्रोजन के लोगों ने भी बहुत हिम्मत से लड़े और 10 वर्षों तक वो लोगों ने क्या किया, ट्रॉय जो शहर था उसे उन्होंने कंटिन्यू घेरा ही था. ओके, द फाइट वेंट ऑन डेली, हर दिन लड़ाई होती थी, बट द सीज डिड नॉट एंड, हाँ पर वो जो घेरे थे वो कभी एंड नहीं होता था. ऑन द वन हैंड द ग्रीक कुड नॉट टेक द सिटी, एक तरफ क्या होता था, ग्रीक के जो योद्धा थे, जो ग्रीक के फाइटर्स थे, वो शहर को अपने अधिकार में नहीं ले पाते थे. ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे, और दूसरी तरफ क्या होता था, ट्रोजन्स उनको फोर्स भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि दोनों जन, दोनों कंट्रीज ऐसे डटे हुए थे फाइटिंग में, एक को तो बदला लेना था और एक को अपने आप को बचाना था. आपको पता है किसको बदला लेना था और किसको बचाना था, तो दोनों अपनी हिम्मत जियो जान से एकदम लड़ रहे थे दोनों कंट्रीज. ओके, एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स, मैंने जैसा आपको बताया कि हर दिन क्या होता था, ट्रोजन के लोग जो सोल्जर्स थे वो अपने गेट से बाहर आते थे, एंड द ग्रीक केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप एंड द फाइटिंग वेंट ऑन, और जो ग्रीक के लोग थे वो अपने टेंट से, हाँ अपने शिप से बाहर आते थे और उन लोगों में युद्ध होता था. द ग्रेट हीरोज ऑन द बोथ द साइड्स वर द किल इन द कोर्स ऑफ वॉर, हाँ समझे कि कभी कभी क्या होता था, दोनों सेनाओं में क्या होता था, फाइटिंग होती थी, तो डेफिनेटली फाइटिंग में किसी ना किसी को जाना ही है, किसी ना किसी की डेथ होती ही थी. आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर एट लास्ट किल्ड बाय अकिलेस, होम नन कुड रेसिस्ट, मतलब कि दोनों पक्षों से, हाँ दोनों साइड से बड़े बड़े ब्रेव फाइटर्स क्या होते थे, लड़ते थे, और
आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल तक प्रोटेक्ट करने के बाद जो हेक्टर था वो किल्ड किया गया, मतलब मारा गया, किसके द्वारा? अकिलेस के द्वारा, ठीक है, अकिलेस जिसको कोई भी मार नहीं सकता था। अब बट अकिलेस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉइजन एयर दैट एंटर्ड हिज हील। जो अकिलेस था वो खुद भी मारा गया, किसके द्वारा? पॉइजन्ड एरो, एक जहरीला तीर जो उसके एडी एंटर्ड हिज हील, उसके एडी में जाकर लग गया था, ठीक है। द ओनली द पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वुंडेड, मतलब उसकी बॉडी में सिर्फ एक वही जो पार्ट बचा था, ठीक है, एक वही भाग बचा था जहां उसे घायल किया जा सकता था, तो उसी जगह उसे वो पॉइजन एरो लगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड। और उसके बाद एंड आफ्टर दैट एंड स्टिल लेटर द पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड ऑल्सो बाय पॉइजन एरो। उसके बाद फिर जो पेरिस भी था जिसने हेलेन को बहकाकर अपने साथ ट्रॉय को लेकर, ये हेलेन को बहकाकर जो अपने साथ ट्रॉय उसे लेकर आ गया था, ठीक है, फिर वो भी मारा गया। अब द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी, मतलब मैंने आपको बताया कि 10 ईयर्स हुआ ये वॉर, तो ट्रोजन के जो लोग थे वो अपने किले के अंदर ही रह रहकर बहुत ही बोर हो गए थे, बहुत थक गए थे, क्योंकि उन्हें बाहर आने जाने मिलता नहीं था। एंड द ग्रीक्स वर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। और जो ग्रीक के लोग थे उनको भी अपने घर वापस जाने जैसा लगने लगा, बट क्या हुआ, फिर भी फाइटिंग वेंट ऑन। ओके, समटाइम देयर वॉज अ ग्रेट बैटल बिटवीन द two armies, sometime there was single fight between two great heroes, and sometime the Trojan had the better of it, and sometime the Greek, but they still the fighting is went on. kya hua, sometime dono taraf se jo army thi bahut hi acha ladti thi, aur kabhi kabhi dekho kya hota tha, jaise kisi din do heroes ke jaise दो कंट्रीज के बीच में हो रही, तो उसमें के जो दो हीरोज थे उनके बीच में फाइटिंग बहुत अच्छी होती थी, और किसी दिन क्या होता था, जो ट्रोजन के सोल्जर्स रहते थे उनकी लड़ाई अच्छी होती थी, उनके कम सिपाही घायल होते थे, और किसी दिन क्या होता था, ग्रीक्स के कम लोग घायल होते थे। तो इस तरह चल रहा था और फाइटिंग वेंट ऑन था, ठीक है। नाउ इसका एंड क्या हुआ, यू विल गोइंग टू सी इन सेकेंड पार्ट। ओके, let's have a look on margin questions. How did the location of Troy help it to grow into a very rich and prosperous city? ठीक है, Troy किस तरह help करता था, help में मतलब क्या उसका condition था जिसके कारण वो बहुत ही समृद्ध city था। The location of Troy helped it to the grow rich and prosperous city. In the front of the city was a sea over which sailed the ship of Troy carrying the goods and grains. At the back rose the high peak of mountain Ida, from which followed many rivers and streams, and the valley among the hills were well watered and fertile, cattle feeding on the rich grass of the meadows, and while sheep fed on the slope of the hills. ठीक है, ये reason था। How were the Trojans protected during the war time? किस तरह ट्रोजन प्रोटेक्ट किए जाते थे वॉर के टाइम पे, तो ड्यूरिंग वॉर टाइम द गेट्स वर क्लोज्ड एंड देन द सिटी वाज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्टिस क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक। आपको बताया मैंने, एक बंद किले की जैसे जो मेन गेट रहता था उसको बंद कर देते थे, तो उसके कारण क्या होता था, वो स्ट्रॉन्ग किले की तरह हो जाता था। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द 10 ईयर old war between the Greeks and Trojan? The cause of the 10 year war between the Greeks and the Trojan was that the Paris, the prince of Troy, eloped Helen, the wife of Greek king Menelaus, and the Greeks wanted to take the revenge so that the Greek attacked the city of Troy. Who were the brave heroes on either
साइड किल्ड इन द वॉर, ऐसे कौन से दो हीरोज थे जो दोनों साइड से मारे गए थे? तो आपको पता है, मैंने बताया, द ब्रेव हीरोज ऑन द आइदर आइदर साइड हु वर किल्ड इन द वॉर वर द एक्लीस फ्रॉम द ग्रीक एंड द हेक्टर एंड पेरिस फ्रॉम द ट्रोजन। अब वर्कशॉप हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, फाइंड आउट द ऑटोमन्स ऑफ द फॉलिंग फ्रॉम द पैसेज। आपको अपोजिट लिखना है, हम बैरन मतलब जहां पे कुछ कल्टीवेशन नहीं होता है, उसका अपोजिट है फर्टाइल, पीस का वॉर है, ऑफन प्लीज्ड सरेंडर्ड अटैक, डिफेंसलेस सेफ, फॉरवर्डली ब्रेव, एक्सपोज्ड क्लोज। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द फैक्ट फ्रॉम द पैसेज। आपको करेक्ट करना है सेंटेंस में, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया है, पर आपको उस सेंटेंस के आपके पैराग्राफ में सर्च करना है कि वो सेंटेंस हूबहू वैसा है कि नहीं है। जब नहीं है तो क्या करना है आपको, जो सेंटेंस वहां पर, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पर बता रही, ट्रॉय ट्रेडेड इन कैटल एंड ग्रास विद अदर सिटीज, वो किस वे में ट्रेड करते थे? तो ट्रॉय ट्रेडेड इन गुड्स एंड ग्रेन्स, वो लोग कैटल और ग्रास में ट्रेडिंग नहीं करते थे। तो वहां पे आपके देखो पैराग्राफ में ही लिखा है वो लाइन, तो वो एग्जैक्टली वैसे उठा के आपको लिखनी है। फैक्ट्स मतलब पैसेज में से ही रियल इंफॉर्मेशन आपको वहां से लिखनी है। ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स जंप ओवर द फोर्ट गेट एंड देयर सोल्जर्स टू फाइट द एनिमी, सो द ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स वुड क्लोज द डोर्स ऑफ द फोर्ट्स। Now, Helen escaped with the Menelaus, so Helen eloped with the Paris, a prince of Troy. The Greek armies and the heroes always defeated the Trojans. Sometimes the Trojans had the better of it, and sometimes the Greek. Both the enemies were the eager to continue fighting. The Trojans were tired of being shut up in their city, and the Greeks were longing to see their homes again. The Troy was attacked because it was a strong, rich city, because the Greek wanted to take the revenge on the Troy for the wrong done to the Menelaus. Okay? Now, आपको यहाँ पर क्या लिखना है? State the counter action for the following action. मतलब एक तरफ आप देख रहे हो एक्शन लिखा और एक तरफ आपका काउंटर एक्शन, मतलब अगर ये हुआ तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो आपको बताना है। तो हेलेन इलोप्ड विद द पेरिस, जब हेलेन पेरिस के साथ चली गई तो क्या हुआ, द ग्रीक वांटेड टू टेक द रिवेंज ऑन द ट्रॉय फॉर द रॉन्ग, द ग्रीक सेल्ड टू द ट्रॉय एंड अटैक्ड इट, द ट्रोजन फॉट हार्ड एंड द सेज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग इयर्स, हेक्टर वाज किल्ड बाय अकिलेस, Achilles himself was killed by the poisonous arrow that entered his heel. The siege continued for the 10 long years. The Greeks deeply longed to see their homes again, and the Trojans were tired of being shut up in their city. The fighting went on. Sometimes the Trojan had the better of it, and sometimes the Greek. The Greek could not take the city, and the Trojans could not force them to sail away. Up now, from either of our two इंडियन एपिक्स, आपको भी टू इंडियन एपिक्स देखो, पूरा सेंटेंस अभी हम मैं पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आएगा। फ्रॉम आइदर ऑफ आवर टू इंडियन एपिक्स फाइंड आउट विच बैटल वॉर लास्टेड द लॉन्गेस्ट, राइट डाउन अबाउट इट कॉज, द एनिमी आर्मीज, इट्स हीरोज, इट्स ड्यूरेशन एंड द फाइनल आउटकम। आपको क्या करना है, द इंडियन एपिक्स जो महाकाव्य महाग्रंथ है, हाँ, उसमें से क्या करना है, फाइंड आउट विच बैटल, आपको ढूंढना है ऐसी कौन सी युद्ध या कौन सा वॉर हुआ है जो बहुत लॉन्ग पीरियड तक चला है, उसका कॉज क्या था, उसका कारण क्या था, ऐसे कौन से शत्रु सेनाएं थी दोनों, उन दोनों में कौन दो मतलब लोग इन्वॉल्व थे, दो लोगों की टीम, और उसके हीरोज कौन थे दोनों साइड के, और उसका ड्यूरेशन क्या था, मतलब कितने साल वो चला, और उनका फाइनल आउटकम क्या हुआ कि कौन जीता कौन हारा। तो कॉज क्या है, हाँ, दुर्योधन द एल्डेस्ट सन ऑफ द कौरवास टुक द पोजीशन ऑफ द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर फोर्सफुली एंड इलीगली विच बिलोंगिंग टू द पांडवास, सो दैट इट लीड टू द आउटब्रेक ऑफ वॉर। आपको मैं बता दू कि जो महाभारत में वॉर हुआ था कौरवास और पांडवास में, हाँ, उसके बारे में है ये वाला। द एनिमीज कौन कौन थे इसमें,
दो जो ग्रुप था योद्धाओं का, वो कौन कौन था? 100 कौरव, हाँ 100 कौरव ब्रदर विद भीष्माचार्य, दुर्योधन, द्रोणाचार्य एंड मेनी अदर किंग्स लाइक करण, शकुनी एक्सेट्रा ऑल बिलोंग टू द कौरवास एंड 5 पांडवास, जो दूसरी टीम थी उसके बारे में बता रहे हैं अभी आपको, 5 पांडवास, किंग द्रुपद, हिज सन किंग विराट एंड द अदर बिलोंगिंग्स टू द आर्मी ऑफ द पांडवास. नाउ हीरोज कौन कौन थे उसके अंदर? हीरो पांडवास, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव. ड्यूरेशन, ये वॉर कितने साल, मतलब कितने साल तक चला? ठीक है, 18 साल तक चला. और इसका फाइनल आउटकम क्या हुआ? द पांडव्स गॉट द विक्ट्री, पांडव्स को विजय प्राप्त हुई थी. और ऑल माइटी किंग्स एंड द हीरो सस्पेक्ट अश्वत्थामा वर किल्ड, मतलब एक ही बच्चे थे अश्वत्थामा. ठीक है, ऑल द कौरवास वर द रुइन, मतलब उनका जो इस युद्ध के बाद क्या हुआ, पांडवास विजय हुए थे और कौरव क्या हो गए, जो भी बच्चे खुचे थे वो अब वो नीचे की तरफ उनका स्थिर गिरते जा रहा था. एंड पांडवास को रिगेन द हस्तिनापुर, उनको जो उनकी मेन प्रॉपर्टी थी जो उनको हस्तिनापुर, वो मिला फिर से. ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आपका लैंग्वेज स्टडी. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जाती है उसके बारे में बताना है. तो पेरिस हैड फॉट ब्रॉट हर टू ट्रॉय, अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, तो पेरिस के बारे में, तो यहाँ पे पेरिस सब्जेक्ट है. द ग्रीक्स वेटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय, यहाँ पे क्या हो गया, द ग्रीक्स. नाउ थर्ड वन, द ग्रीक आर्मी सेल टू ट्रॉय, द ग्रीक, द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड, द ट्रोजन्स, द फाइट वेंट ऑन एंड द फाइट, जो आपको यहाँ पे मतलब डिफरेंट कलर में दिख रहा है वो आपका सब्जेक्ट है. ओके, ये आपकी एक लैंग्वेज स्टडी है चैप्टर के बिहाइंड, तो ये एक्टिविटी है. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जेरेंड करके. ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताती हूँ, आफ्टर दैट विल गो टू द अगेन टू दैट स्लाइड. ओके, जस्ट सी दिस एग्जांपल, कार्तिक गोज टू स्विमिंग रेगुलरली. ओके, अब इसमें नाउन क्या है, कार्तिक, डेफिनेटली द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, हाँ, इज अ नाउन. तो यहाँ पे नाम मैंने यूज किया है कार्तिक, तो कार्तिक क्या हो गया, नाउन हो गया. ही इज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, ये है प्रोनाउन. देखो, कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, आइदर ही इज नाउन, आइदर ही वो प्रोनाउन होगा. ठीक है, यही दो चीज होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है. कोई भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होता है, आइदर वो नाउन होता है, आइदर वो प्रोनाउन होता है. अब यहाँ पर देखो ये वाला सेंटेंस, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना अच्छी आदत है. अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तब यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें, सब्जेक्ट क्या है, रीडिंग है, क्योंकि हम रीडिंग के बारे में बात करें. बट रीडिंग कोई नाउन होता है क्या? यस, रीडिंग नाउन है, बट वो नाउन कब होता है, जब हम किसी वर्ब को आईएनजी लगाकर उसको हम एज ए नाउन यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जेरेंड, इट इज अ जेरेंड, यह एक क्रियावाचक संज्ञा है. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इट, इसकी परिभाषा क्या है. अगर किसी भी क्रिया के साथ आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं. जेरेंड को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रियावाचक संज्ञा. हाँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने, इफ द वर्ब इज एडेड विथ आईएनजी एंड यूज्ड एज नाउन इन अ सेंटेंस, दैट वर्ब इज कॉल्ड जेरेंड. नाउ एग्जांपल, जब हम जेरेंड को एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, हाँ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे देखो स्विमिंग के बारे में जो बोला जा रहा है. राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया,
रीडिंग हेल्प्स लॉट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है, ओके. टीचिंग इज माय हॉबी, ओके. यहाँ पे रीडिंग एनहेंस आवर नॉलेज. आपने भी यहाँ पे देखा ना, सभी सेंटेंस में क्या हुआ है, जेरेंड एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, ओके. नाउ अब यहाँ पे देखो, जेरेंड एज ए ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसपे काम किया जा रहा है, ओके. आई लव डांसिंग, हाँ मुझे क्या पसंद है, आई लव डांसिंग. मार्क एंजॉय कुकिंग अ लॉट, मार्क को क्या पसंद है, कुकिंग. दैट इज अ गुड पेंटिंग. देखो यहाँ पे जिसके बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पे जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, ओके. समझे आप? नाउ प्रभराज एंजॉयज रीडिंग. आई लाइक स्विमिंग, ठीक है. आपको याद रखना है, अगर आपके सेंटेंस में आता है कि आइडेंटिफाई या अंडरलाइन जेरेंड, तो आपके वाक्य में जो भी रहेगा वर्ब आईएनजी लगाकर उसे ही आपको लिखना रहेगा, याद रखना. अब नाउ जेरेंड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी, टू बी हाँ, प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर्ब, ठीक है. जैसे कार्तिक्स फेवरेट हॉबी इज, अब ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, इज प्लेइंग द पियानो. कॉम्पिटिशन इज ट्राई टू बेटर देन योर ओपोनेंट, ठीक है. ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी, ठीक है. आई होप आपको अभी समझ में आ रहा है कि जेरेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है. नाउ आपके जो बुक में दिया गया है वो बता रही हूं मैं. रीराइट द अबोव द सेंटेंस यूजिंग अदर एप्रोप्रिएट जेरेंड इन प्लेस ऑफ द वंस गिवन हियर. आपके जो बुक में सेंटेंस दिया गया है उसके अलावा भी आप और भी लिख सकते हो वाक्य, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज Planting is better than fighting people. Running is a good exercise. Singing has a healing power. Fourth one, I enjoy watching TV. Fifth one is planting is an art. Sixth one, I enjoy listening music. Got it, everyone? Now, जेरेंड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू बी. देखो आपको और एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ मैं. माई हॉबी इज डांसिंग, हिज पैशन इज गैम्बलिंग, व्हाट आई डोंट लाइक इज ड्रिंकिंग, माई फेवरेट एक्टिविटी इज यूजिंग, देखो यूजिंग, यूजिंग माई स्मार्टफोन, माई फेवरेट हॉबी इज सिंगिंग, ओके. नाउ अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है. किसी बच्चे को कुछ डाउट है चैप्टर से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछो. शाहिद, आपने रेजेंट किया है, मिस नहीं है किसी का डाउट, उसने रेजेंट. नौ बच्चों, ये आपको बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ. आप अभी क्विकली भी कर सकते हो, बाद में भी करो. मैं एक एक्सरसाइज आपको करके बताती हूँ, ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द जेरेंड विद द हेल्प ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. ये क्या है, वर्ब दिया गया, आप उसे जेरेंड बनाना है. तो कैसे बनाओगे, मैंने आपको बोला वर्ब को आईएनजी लगाकर आपको जेरेंड बनाना है. तो फर्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए कर दे रही हूँ, हेल्प डैश इज नेसेसरी फॉर अस. तो स्लीप, स्लीप दिया है इन ब्रैकेट में, स्लीप क्या है, वर्ब है, उसे आईएनजी लगाकर स्लीपिंग, ठीक है. स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर अस, दिस इज द एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू, ओके बच्चे लोग. तो आपको समझ में आया कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है जेरेंड. सो एवरीवन थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.